नमस्कार, स्वागत है आपका सांधे समाचार में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। जबलपुर के दौरे पर मोहन भागवत पहुंचे। 3 दिन के जबलपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत जबलपुर पहुंचे हैं। संघ कार्यालय केशव कोठी में आगमन हुआ है। कल प्रांत पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। शनिवार को प्रबुद्ध जन संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जबलपुर के दौरे पर मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं और कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता दुर्गेश फॉनलाइन पर हैं। दुर्गेश, मोहन भागवत का जबलपुर दौरा, कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होने जा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत का जबलपुर दौरा है और 3 दिवसीय दौरा है। 18 तारीख से हालांकि आज शाम को आ चुके हैं, लेकिन ये दौरा के जो कार्यक्रम है वो 18 तारीख से शुरू होंगे। 18, 19 और 20, ये 3 दिनों तक लगातार मोहन भागवत जो है जबलपुर में रहेंगे और ये महाफसल प्रांत का दौरा है। दरअसल जो 3 दिवसीय दौरे में मोहन भागवत जो है वो RSS के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। दौड़ चलेगा और कई कार्यकर्ताओं के जो RSS के जो कार्यकर्ता उनके घर में उनके परिवारों के साथ भी मुलाकात करने मोहन भागवत जाएंगे। इसके साथ साथ पूरे प्रांत के जो पदाधिकारी हैं वो भी जबलपुर आएंगे और उनके साथ भी बैठक होगी। सूचना ये भी है कि BJP के भी वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ भी एक गोपनीय बैठक कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो RSS की तरफ से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये एक सालाना दौरा है, लेकिन अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित तौर पर इस दौरे के बहुत सारे मायने निकलते हैं, क्योंकि 23 विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में संघ प्रमुख का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। फिलहाल 3 दिवसीय दौरे के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत का जबलपुर आगमन हो चुका है, जो केशव कुश्ती में इस समय रुके हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार पुलिस महकमे के जो आला अधिकारी हैं वो इस पूरे दौरे पर नजर बनाए रखे हुए हैं। निश्चित तौर पर कल से ये प्रांत अध्यक्षी का दौरा शुरू हो जाएगा और एक संगोष्ठी को भी संबोधित करेंगे मोहन भागवत। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पुत्र वधु ने अपने ऊपर हुए FIR पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही BJP और कांग्रेस दोनों ही दलों को जोगेरिया हो जाता है। ऋचा जोगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जोगी जन अधिकार पदयात्रा में भाग लेने से मुझे रोकना चाहते हैं, इसलिए यात्रा के शुरू होने से पहले ही मुझ पर FIR करवा दी गई, क्योंकि जिस तरह से मुझे जन समर्थन मिल रहा है उससे BJP और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता घबरा गए हैं, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। मैं इस FIR को चैलेंज करूंगी। आज मेरे खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उससे एक बार फिर साबित होता है कि सरकार जोगेरिया से ग्रसित है और हमारी जोगी जन अधिकार पद यात्रा स्टार्ट होने से जस्ट पहले जो मेरे खिलाफ में FIR दर्ज हुआ है उससे ये साबित होता है कि सरकार बहुत डर गई है और मुझे इस पद यात्रा में अकलतरा विधानसभा का पर्यवेक्षक बनाया गया है और मुझे इस पद यात्रा से रोकने के लिए, दूर रखने के लिए सरकार ये नए नए हथकंडे अपना रही है।